हेलो एवरीवन आज जो है हम बारह जनवरी की वोकेबलरी शुरू करेंगे तो आज की वोकेबलरी का जो पहला वर्ड है वो है आउटेज आउटेज कहते हैं किसी चीज़ की बंदिश हो जाना यानी कि अ पीरियड ऑफ इंटरप्शन स्पेशली ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे ये अभी गुड्डू में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक का इशू हो गया था पूरे पाकिस्तान का उसके बाद है inexplicable. Inexplicable मतलब बयान, अकाउंटेड फॉर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास callousness. Callousness क्या होता है callousness कहते है संग दिली को बेदर्दी को बींग हार्ड एंड एंड तो उसको कहते हैं उसके बाद है इन पर्सन इन पर्सन का मतलब है पर्सनल प्रेजेंस और एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल स्पेसिफाइड उसके बाद है वुमेन फोक वुमेन फोक का मतलब है घर की औरतें द वुमेन ऑफ अ पार्टिकुलर फैमिली आर कम्युनिटी कंसीडर्ड कलेक्टिवली उसके बाद है स्पर स्पर भी बहुत कॉमन वर्ड है इसका मतलब है हौसला अफजाई उसके बाद है पेनिट्रेट पेनिट्रेट मतलब घुसना रिफर टू तो इंटरिंग आर मेकिंग यू आर वे थ्रो समथिंग उसके बाद है इंटेरो पैराबिलिटी होता है है कंप्यूटर सेमेस्टर के ऐसे अज्जा जो मुख्तलिफ माहौल में काम करने के अहल यानि के है द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर सॉफ्टवेयर टू एक्सचेंज एंड मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन उसके बाद है वीमेंटली वीमेंटली मतलब जोश से वीमेंटली कहते हैं जोश से तो इन आ फोर्सफुल पैशनेट इंटेंस मैनर विद ग्रेट फीलिंग उसके बाद है प्ली प्ली, का मतलब है करना। प्ली मतलब करना स्टेटमेंट बाय ऑन बिहाफ ऑफ अ डिफेंडेंट आर प्रिज़नर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वकेबलरी आती है स्टार्क स्टार्क मतलब पूरी तरह या कंप्लीटली तो इसका मतलब है स्टार्क स्टार्क मतलब पूरी तरह या

दूसरे नंबर पे इसका माना निकलता। उसके बाद है टू फ्लो डाउन वर्ड इन लार्ज अमाउंट यानी कि डाउनवर्ड फ्लो करना लार्ज अमाउंट में उसके बाद है फेयर फेयर माना जानाइड वे इनिकुलर सिचुएशन पर्टिकुलर पीरियड यानी कि एफ ए आर ई को अगर हम वर्ड वर्ब की सूरत में देखें तो इसका मतलब है एक पार्टिकुलर सूरत में सिचुएशन में परफॉर्म करना उसके बाद है इंसाइसिव इंसाइसिव कहते हैं गहरे को डीप को यानी कि जो इम्प्रेसिवली डायरेक्ट हो इंसाइसिव इंसाइसिव का मतलब होता है गहरा या इम्प्रेसिवली डायरेक्ट डिसाइसिव एज इन मैनर आर प्रेजेंटेशन उसके बाद है डिनोवमेंट अब डिनोमेंट मतलब है अनजाम दास्तान यानी कि द फाइनल पार्ट ऑफ अ प्ले फ़िल्म और नरेटिव ये बेसिकली डिनोमेंट जो है वो ये एक लिटरेरी डिवाइस है यानी कि एक फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि कोई प्ले स्टोरी या किसी स्टोरी का जो लास्ट पार्ट होता है उसे डिनोवमेंट कहते हैं डिनोमेंट ठीक है डिनोव दिनौव, नहीं डिनोमेंट है ये तो उसको डिनोमेंट कहते हैं सो दीज़ आर द दैबलरी ऑफ द डे सो मेरा जो है आप चैनल uh, सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल मत भूलें और इसे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें सो थैंक्स फॉर द डे